एक भाप इंजन एक सिलेंडर के भीतर पिस्टन को आगे और पीछे धकेलने के लिए भाप के बल का उपयोग करके काम करता है। ये प्रक्रिया भाप बनाने के लिए पानी को गर्म करने से शुरू होती है, जो फिर फैलती है और पिस्टन को एक दिशा में धकेलते हुए सिलेंडर में प्रवाहित होती है। जैसे ही भाप ठंडी और संघनित होती है, इसे सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे पिस्टन को विपरीत दिशा में पीछे धकेला जा सकता है। पिस्टन की आगे पीछे की गति को रोटरी गति में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग मशीनरी को चलाने या बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। भाप इंजन औद्योगिक क्रांति के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति थी और इसने रेलगाड़ियों, जहाजों और कारखानों को शक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भाप इंजनों का उपयोग मुख्य रूप से ऐतिहासिक और मनोरंजक अनुप्रयोगों में किया जाता है, लेकिन वे प्रारंभिक इंजीनियरिंग सरलता का एक आकर्षक उदाहरण बने हुए हैं।